खनियाधाना विकासखंड में शासकीय प्राथमिक विद्यालय नीम तलैया के विद्यालय की नींव रखी गई थी, तब से इस विद्यालय को संचालित करने के लिए कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाई गई। करीब 10 वर्ष होने का है, लेकिन यहां पर विद्यालय तो मौजूद है पर बच्चों के लिए बैठकर पढ़ाई करवाने के लिए कोई बिल्डिंग मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर बच्चे गली और गलियारों में बैठकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। इस विद्यालय में 2 शिक्षक मौजूद हैं और 28 बच्चे स्कूल में दर्ज हैं। स्कूल में बच्चे नियमित पढ़ने तो आते हैं पर बैठे कहाँ, इसका कोई ठोस ठिकाना नहीं है। शिक्षक कभी किसी के दरवाजे तो कभी किसी के दरवाजे बिठाकर बच्चों को शिक्षा का अध्ययन करा रहे हैं। वहीं गंदी के बीच बच्चों को बैठकर शिक्षा का अध्ययन करना पड़ रहा है, पर इस ओर शिक्षा विभाग का कोई ध्यान नहीं है। इस संबंध में वार्ड वासियों ने कई बार क्षेत्रीय विधायक केपी सिंह से भी गुहार लगा चुके हैं पर किसी ने भी कान पर जू तक नहीं रेंग रही और बच्चों को गंदगी और गली गलियारों में बैठकर शिक्षा अध्ययन करना पड़ रही है। विद्यालय में करीब 2 वर्षों से मध्याह्न भोजन तो बना ही नहीं। स्कूल नहीं है, रोजाना ऐसी बाहर बैठती हो, पढ़ाने कितने सर आते हैं तुम्हारे स्कूल में? 2 आते हैं। रोजाना ऐसी बैठती हो, इसी जगह बैठती हो रोजाना? एक जगह भी नहीं बैठती, कहीं भी बैठ जाते, स्कूल नहीं है तो रोजाना ऐसे ही बैठते हो बाहर? अच्छा, तुम्हारे स्कूल में कितने सर आते हैं पढ़ाने? 2 आते हैं। और ये गंदगी में बैठे हो, ऐसे ही बैठते हो रोजाना? गंदगी में, गंदगी में ही बैठते हो ऐसे? स्कूल पढ़ने रोजाना आते हो? तो ऐसे गंदगी में बैठना पड़ता है तो स्कूल है नहीं है? स्कूल नहीं है तो ऐसे ही रोजाना बाहर बैठा? रोजीना बैठा? तुम्हारे स्कूल में कैसा रात पढ़ावे? 2 आते ही बेबी ऐसे ही बाहर बैठा? कोई भवन नहीं है, विद्यालय का भवन नहीं है तो ऐसे ही ये गंदगी में बैठा ले हैं बच्चे आप? यहाँ पे कोई और ऐसी जगह नहीं है, यहाँ पे यहीं पे बैठा लेते हैं। अच्छा, और जैसे कि बारिश आ जाती होगी तो क्या करते हैं आप? थोड़ी बहुत देर यहीं रुक जाते हैं, फिर रुक जाती है बारिश, फिर यहीं बाहर लगा लेते हैं। अच्छा, तो आपको ऐसे ही बाहर लगाना पड़ता है इस विद्यालय? कब से नहीं है बिल्डिंग यहाँ पर? जब से हम यहाँ पे आए हैं जब से नहीं। कब आपकी पोस्टिंग हुई थी? हमारी 2009 में, 2009 में पोस्टिंग हुई थी आपकी, तब से बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग नहीं है तो अब क्लास तो कहीं ना कहीं लगाना है, तो मजबूरी है। स्कूल की बिल्डिंग नहीं है तो कब से नहीं है बिल्डिंग? अभी जब से मेरी पोस्टिंग हुई तब से मैंने इस बिल्डिंग। तो यहाँ आपकी पोस्टिंग हुए कितने वर्ष हो गए? मैं 2013 से हूँ। 2013 से आप हैं तो आप बिल्डिंग नहीं है तो ऐसे ही बच्चों को गंदी में बिठा के पढ़ाना पड़ता है? नहीं है तो क्या करें, चबूतरा पे कभी इधर बैठ जाते कभी उधर बैठ जाते, मजबूरी। मध्याह्न भोजन की राशि तो आती है पर प्रभारी शिक्षक मध्याह्न भोजन की राशि डकार लेते हैं। अब यहाँ के बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अगर शिक्षा विभाग के किसी भी आला अधिकारी से बात करो तो इधर उधर की टालम टोल करके और आश्वासन पर आश्वासन देकर मामला वहीं दबा दिया जाता है। यहाँ पे कोई स्कूल का वो ही नहीं है बिल्डिंग, इसलिए बाहर बच्चे बैठते हैं, मच्छर से पड़ना पड़ता है, बीमार पड़ रहे हैं। तो कब से बैठते हैं? लगभग यहाँ पे जब से स्कूल चालू ही हुआ है जब से बिल्डिंग है ही नहीं है। ही नहीं है बिल्डिंग? तो ऐसी गंदगी में बैठते हैं बच्चे? ऐसी गंदगी में बैठते हैं। बिल्डिंग नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, कब से नहीं है? जब से हम आए ना बच्चे पढ़ रहे हैं उससे हमें तो नहीं है। अच्छा, बाहर ही बैठते हैं? बाहर ही बैठते हैं तो ऐसी ये गंदगी में बैठते हैं? हाँ, ऐसी गंदगी में बैठते हैं, बीमारी पड़ जाती है। अच्छा, बीमारी हो जाते हैं।